ये क्वेश्चन मार्च 2023 का है। क्वेश्चन क्या था? अ कॉइल ऑफ 100 मिली एम्पियर, या मिली हेनरी, सॉरी एम्पियर बोल, हेनरी, इसको हेनरी बोलते हैं। 100 × 10⁻³ मिली मीन्स रेजिस्टेंस 25 ओम, वोल्टेज 230 वोल्ट, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्स। तो ये डायग्राम बना दिया, एल और आर इस बार दोनों दिए हैं, आपको सबसे पहला फॉर्मूला यूज करना। नेक्स्ट नेक्स्ट तुम्हारा क्या दिला है? ये वाला फॉर्मूला, इसमें जेड इज इक्वल्स टू आर प्लस जे इंटू एक्सएल। अपने आर पर मेट एंड एक्सएल पर मेट, आर कितना है 25, प्लस जे इंटू एक्सएल की वैल्यू कितनी है 31.416। पुट करो कॉम्प्लेक्स मोड में, कॉम्प्लेक्स मोड में पुट करना, नहीं एंगल वाले फॉर्म में निकालो। शिफ्ट टू, सॉरी मोड टू, मोड टू डिग्री मोड पे कैलसी, मोड टू ने टाइप करा 25 + 31.416 आए, 25 + 31.416 आए। त्यानंतर शिफ्ट, उसके बाद शिफ्ट टू, एक बार आपने टाइप कर लिया है कैलसी पे, शिफ्ट टू प्रेस करो और फिर आपके पास चार ऑप्शन आएगा, उसमें से थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करो और इक्वल टू प्रेस करो, थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करो और इक्वल टू प्रेस करो। क्या है आंसर? 40.15, राइट? हाँ ठीक है, एंगल 51.48, यस यस गुड। बहुत लोग को आ रहा है, बहुत लोग कर रहे हैं। थैंक यू। हाँ जे डाला आपने। नेक्स्ट थर्ड, अब हमारे पास ये वाला एक फॉर्मूला है, जेड इज इक्वल्स टू वी बाय आई। याच्यात आपल्याला आय नाही माहित, करंट नाही माहित, आय ते एन वी बाय जेड। तो वी वोल्टेज कितना है, देखो वोल्टेज कितना दिया 230, उसका एंगल हमेशा जीरो होता है, टू थर्टी एंगल जीरो डिवाइडेड बाय 40.15। इसका एंगल जीरो लेना है क्योंकि इसका एंगल नहीं, इसका जीरो रहता है फुट, इसका 40.15 एंगल कितना आ रहा था 51.48। ये भी कॉम्प्लेक्स मोड पे कैलकुलेशन करो, आपको मिल जाएगा, कॉम्प्लेक्स मोड पे कीजिए, क्या आता है बताना। एंगल कैसे टाइप करना है आपको पता है क्या? 51.48, एंगल कैसे टाइप करना है किसी को पता है? हाँ राइट, ये जो आंसर आया है अभी, एंगल नहीं पता है ओके। वो जो एंगल वाला सिंबल है वो कैसे टाइप करना है, शिफ्ट और आपका ये वाला बटन देखो, एंगल कैसे टाइप करना है मैं बता रहा हूँ, शिफ्ट अनि हाँ वाला बटन बताओ, ये चोर आया ऐसा एंगल से शिफ्ट, शिफ्ट प्रेस करके आपका कैलसी के नीचे वाला बटन है ना, 7 के ऊपर से ऊपर वाला बटन, 7 7 नंबर है ना, उसके ऊपर से ऊपर वाला बटन, उसके दो ऊपर वाला बटन, राइट? आप लोग का आंसर करेक्ट है, आदित्य नुपुर। शिफ्ट प्रेस करके राइट, ए वाला बटन, राइट, शिफ्ट ए, ए लिखा है देखो, ए बी सी डी जो रो है ना, साइन कॉस वाला रो है ना, उस रो में एंड वाला, लेफ्ट एंड वाला,
होप्स सबको समझ में आ गया एंगल कैसे डेट करना है। ये आंसर आने के बाद नुपुर क्या करो, कैलसी को ऑन प्रेस करो, आंसर टाइप करो, आंसर शिफ्ट 2 3 प्रेस करो। ये आंसर आने के बाद आपका आंसर कुछ ऐसा आएगा कैलसी पे, पहले आपने अगर ये टाइप किया तो 3.56 - 4.48 आए, ऐसा कुछ तो आएगा। ये आंसर आने के बाद आप लोग क्या कैलसी को ऑन प्रेस कर लो, फिर आंसर शिफ्ट टू थ्री प्रेस करो। आंसर आने के बाद, ऑन प्रेस करने के बाद आंसर Shift 2 3 और इक्वल टू प्रेस करो, आपका आंसर आएगा 5.72। आपका ये आंसर आ जाएगा 5.729 अप्रोक्सीमेटली, एंगल -51.49 डिग्री, और ये करंट है इसके लिए ए। आया क्या ये कैलकुलेशन? ऑनलाइन ये कैलकुलेशंस बताना थोड़ा सा टफ है, बट देखो ये करना है। आंसर आने, एंगल कैसे टाइप करना है ये बता दिया मैंने, आंसर आने नंतर, हाँ आंसर ये, आंसर आने के बाद ये आप टाइप करोगे, इक्वल टू प्रेस करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, आपको ये आंसर मिलेगा पहले 3.56 समथिंग एंड माइनस, ठीक है वाला राइट, आ जाएगा आ जाएगा, जो मैंने लिखा है ना वो आ जाना चाहिए। और फिर आंसर Shift 2 3 प्रेस करो, आंसर आंसर आने के बाद आंसर प्रेस करो Shift 2 और 3, फिर इक्वल टू प्रेस करो ये आ जाएगा, फिर 5.72 समथिंग एंगल -51.49, ये आपको करंट मिल गया। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप में आपको वी आर निकालना है, तो रहता है आई इंटू आर, तो करंट क्या है 5.729 जो मिला है ये वाला, एंगल -51.49 इंटू रेजिस्टेंस, ये आपका करंट है, रेजिस्टेंस क्या है चेक करो, रेजिस्टेंस आपको दिया है, रेजिस्टेंस दिया है 25 थिंग्स, जिसका एंगल्स नहीं है वो जीरो है, जो गिवन वैल्यूज रहता है ना उसका एंगल जीरो रहता है, नहीं दिया रहता। ये करो अभी कितना आता है 5.729 एंगल -51.49 इंटू 20, ब्रैकेट में दे टाका दोनों, और फिर से आपका आंसर आएगा कुछ, तो फिर से आंसर Shift 2, आंसर आने के बाद आंसर Shift 2 प्रेस करो, आपका ये आंसर आता है क्या चेक करो। धीरे धीरे करेंगे, लगा तो ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन होने, आज 14 15 मार्क्स का होने दो, कल 15 14 15 मार्क्स का ले लूंगा। टाइम है 143.225 आ रहा है क्या चेक करो। ये आ रहा है क्या चेक करो, ये वोल्टेज आएगा वी आर, आंसर कुछ तो अलग आएगा, आंसर कुछ तो अलग आएगा। उसके बाद आपको आंसर Shift 2 3 प्रेस करना है, आंसर आने के बाद उसको वापस एंगुलर मोड पे लेके आना है, हाँ राइट राइट। उसके बाद आपका ये ऐसा कुछ आंसर आएगा ना 89.19 - 112.04 ऐसा कहते रही आंसर, ये आंसर आने के बाद आप फिर ये करो आंसर Shift 2 3, आंसर Shift 2 3 प्रेस करो ये आ जाएगा राइट, यस करेक्ट, ये था पूरा आंसर, राइट ये आंसर आ रहा है जो मैंने लिखा हो। हाँ यूनिट मत भूलना, करंट है तो एम्पियर, वोल्टेज है तो वी, ठीक है रेजिस्टेंस है तो ओम, ऐसे मैं आपको लास्ट में सब लिख के दूंगा। एक बार आर एल सी होने, अभी आर एल का 2 ही क्वेश्चन है, ये होने के बाद मैं आपको आर एल का एक चीट कोड लिख के देता हूँ, वो याद रखना, आर एल का सर्किट, अगर आर एल सर्किट आता है तो आपका 8 मार्क्स पक्का हो जाएगा। न्यासस वीएल काढायचे, फिफ्थ फिफ्थ स्टेप, 6 7 फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। आई हैव Fx 991 हर्ष पावर, नहीं इस पे नहीं होगा हर्ष, 991 ES पे होगा, MS पे नहीं होगा, MS का नहीं पता मुझे, मतलब एग्जैक्टली कैसे है, उस पे भी होता रहेगा पर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है ऐसा। नेक्स्ट VI इज इक्वल टू VL इज इक्वल टू I इंटू XL, ये सभी फॉर्मूलाज हमने अलग ऑर्डर में वहां पे यूज किया था। आई का वैल्यू क्या है 5.729 एंगल -51.49 इंटू एक्सेल, एक्सेल का वैल्यू आई थिंक सो दिया हुआ है आप, नहीं एक्सेल आया हुआ है 31.416 ये मिला था,
31.416। और याद रखना जो एक्सेल होता है ना सिर्फ उसके लिए 90 डिग्री एंगल फिक्स रहता है, ये लियून ठेवा नोट, ये लिख के रखना, बाकी सबके लिए 0 डिग्री मैंने कंसिडर किया। जो एक्सेल का एंगल है ना वो 90 डिग्री होता है। क्यों मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फेजर डायग्राम में हमने बनाया था ये सब, एक्चुअली थेरी है पर मैं बिना थेरी के पढ़ा रहा हूँ इसलिए कुछ कुछ चीज़ आपको मैं हिंट देता हूँ, ये याद रखना जो मैंने रेड में किया है। एक्सेल की जो एंगल है ना वो 90 डिग्री में लेना है, तो आपको जो यहाँ पे आएगा एंगल वो आएगा 90 डिग्री, बाकी सब में 0 0 कंसिडर किया। देखो आर के लिए 0, वी के लिए 0, जैसे हम आई तो अगला 0 डिग्री कंसिडर करें, ये टाइप करो और आंसर आने के बाद सेम आंसर शिफ्ट 2 3, आंसर आने नंतर आंसर शिफ्ट 2 3 करा, ये आंसर आ रहा है क्या चेक करो, 179। आप लोग कैलसी कर रहे हो तो समझ में आएगा। एक्चुअली देखो गाइस ये मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को बैक है और बिना न्यूमेरिकल के क्रिटिकल में पेपर नहीं निकलेगा ऐसे। अगर थ्योरी अगर जो आपने किया वो नहीं आया तो, या थ्योरी आपका गलत हुआ तो, ये थे करेक्ट आ जाएगा ऑटोमेटिकली आपने जो जो आंसर। राइट यस करेक्ट है, देखो आंसर्स आ रहे हैं रेस्टोरेंट्स के आ रहे हैं, मतलब आपको भी आना चाहिए, ये आंसर है, ये सब आंसर्स है। आप लोग स्क्रीनशॉट, और एक चीज रह गया है पी निकालना है आपको, और भी पूछा है ना इस क्वेश्चन में इसलिए निकाल रहा हूँ। राइट अद्वैत का भी आ गया, अद्वैत ने आंसर कुछ गलत लिखा है, 179 वन एंगल गलत है, अद्वैत एंगल चुकी है, 141.49 नहीं है एंगल, एंगल 38.51 है। देखो ऊपर वाले लड़के ने लिखा है, देखो आंसर इतने माइनस रायला असल कदाचित, जो लोग का गलत आ रहा है ना ये माइनस बचा रहेगा आपसे, माइनस राउंड गेला असल म्हणून रॉन्ग आला है इंशाल्लाह का आंसर। नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ, पावर 6 वी आई कॉस फाइव क्या बनता है, बस आल है चला स्टडी करा पॉइंट मधे आला, फ्रैक्शन में अगर आता है तो एस टू डी करो स्टैंडर्ड टू डेसिमल, वी आई इंटू कॉस फाइव, वी कितना था 230, आई का मैग्नीट्यूड लीजिए, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं ओनली मैग्नीट्यूड नो एंगल, याद रखना पावर निकालते समय ओनली मैग्नीट्यूड, कुछ चीजें याद रखना ये भी नोट करके रखना, पावर काटताना फक्त मैग्नीट्यूड घ्यायचं, पावर काटताना फक्त मैग्नीट्यूड, जैसे देखो आय का ये जो आय है आपका करंट, करंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड 5.729, वोल्टेज कहाँ से ले रहा हूँ 230 यहाँ पे दिया, देखो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड 5. कितना आया था 729 इंटू कॉस 5, क्योंकि वो मॉड होता है मैग्नीट्यूड होता है एक्चुअली, कॉस फाइव। अब एंगल लेना, यहाँ पे एंगल लिखना है आपको कॉस फाइव, कॉस फाइव में ये वाला एंगल आएगा जो करंट वाला एंगल है ना, -51.49। देखो मैं रिपीट करता हूँ पावर में फॉर्मूले में वैल्यू कैसे पुट किया, वी का वैल्यू 230 है राइट, 230 वोल्टेज वी, आई का मैग्नीट्यूड ये है आपका जो, और ये एंगल है -51.49, तो एंगल कॉस के अंदर डालना है फाइव के अंदर, और ये आपका कितना होता है 820.44 ऐसा कह करिए राइट, वैट वैट पावर यस इट्स करेक्ट। ठीक है हो गया, जो जो पूछा उन्होंने आई थिंक सो। देखो एक बार चेक करना, इसके बाद मैं आपको चीट कोड लिख के देता हूँ आरएल, ध्यान दीजिए क्वेश्चन देखो, अभी जो ग्रुप पे पेपर ग्रुप पे है ना पेपर, उसका क्वेश्चन देखो, पेपर का मैंने क्वेश्चन का फोटो भेजा है, उसमें देखो आपको सबसे पहले पूछा है इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब एक्सेल, इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब एक्सेल ये मिल गया, उसके बाद इम्पेडेंस पूछा है, इम्पेडेंस मतलब जेड, ये आपका आंसर है इम्पेडेंस, इम्पेडेंस मतलब जेड, जेड मंजे इम्पेडेंस ठीक है। फिर
फिर उसके बाद उसमें क्या पूछा है, करंट मतलब आय, ये आपको पूछा है करंट, सिर्फ पावर के फॉर्मूले में कैसे पुट किया, और ये कैलसी, कैलसी वाला वर्क समझना चाहिए बस, बाकी कहीं से नहीं, फॉर्मूला है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करे थे। टफ जॉब नहीं है मैकेनिक्स या M2 के, ऐसा सर। वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट पूछा है, थर्ड वाला देखो, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट, ईच एलिमेंट मतलब इसमें एलिमेंट कितने हैं, दो है ना, आर और एल, तो वी एल और ये दोनों उसके आंसर है, ये उसके आंसर है, वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट। ईच एलिमेंट, वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट। और नेक्स्ट जो है उन्होंने क्या पूछा है, एक्टिव पावर, ये आपका पी, एक्टिव पावर, ऐसे और भी रिएक्टिव पावर वगैरह भी है टर्म्स, ठीक है। अब मैं आपको एक आरएल का एक कोड शीट लिख के, तो ये सब लोग लिखो मेरे साथ सर, आरएल सर्किट का अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या क्या फॉर्मूला लगेगा और कैसे कैसे कब कौन सा यूज करना है, उसका हिंट देता हूँ मैं आपको। देखो आरएल सर्किट के अभी तक तो दो ही क्वेश्चन है चार पेपर में 2019 कोर्स में, ठीक है। आरएलसी सर्किट सब पहले बेसिक डायग्राम याद रखना, बेसिक डायग्राम आपका ऐसा होगा, और इसमें कैसा है, जैसे जैसे वैल्यू करेक्ट वैसे वैसे आपको मार्क्स मिलेंगे, जितने भी, तो अगर चार 8 मार्क्स हैं और जैसे चार चीजें पूछे तो दो दो मार्क्स हर एक चीज होल्ड करता है, ऐसा है, एक आंसर निकाला 2 मार्क्स, फिर दूसरा आंसर निकाला 2 मार्क्स, ऐसा। इतने वोल्टेज फ्रिक्वेंसी और करंट जर दिला से लिखे लिया, ऐसा डायग्राम रहता है, ये आपका रेजिस्टेंस रहेगा, ये आपका इंडक्टेंस एल आर या आर एल, ठीक है। इसमें जो बेसिक फॉर्मूले मैं आपको बताता हूँ, दो बेसिक फॉर्मूले, वोल्टेज आई इंटू एक्स एल, मतलब इंटू है आई इंटू एक्स एल, ये एक फॉर्मूला है, वी आर आई इंटू आर, वोल्टेज अक्रॉस, इसका मीनिंग क्या है, वोल्टेज अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस एल ये रहेगा, वोल्टेज अक्रॉस आर ये रहेगा, एल एल जो एलिमेंट है इंडक्टेंस, इसके अराउंड जो वोल्टेज है वो ये है वी एल, इसके अराउंड जो वोल्टेज है वो वी आर है, आई मतलब करंट है पता है सबको, एक्सएल मतलब क्या पता है ना, एक्सेल मैंने अभी 2 बार बताया, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सेल मतलब क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सेल मतलब है इंडक्टिव रिएक्टेंस, एफ मतलब है फ्रीक्वेंसी, वी मंजे वोल्टेज, करंट मतलब आय, ठीक है ये तो पता ही है, आर मतलब रेजिस्टेंस, एल मंजे इंडक्टेंस, नहीं पता है तो ये चीजें पता होना चाहिए, क्या दिया है वो अगर आप सही से निकालोगे तो हो जाएगा चीज। देन उसके बाद जो फॉर्मूले ज्यादा यूज होते हैं, तीसरा नंबर वाला एक्सेल, एक्सेल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, ये एक फॉर्मूला यूज होगा, आप लाइन से फॉर्मूला लिखोगे ना ऑटोमेटिकली आपको, देखो जैसे ये वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे, आपको अगर इनमें से दो वैल्यू पता है तो तीसरा वैल्यू निकालने के लिए, या चाहे दोनों वैल्यू माइट असल तो तीसरा काटने से हाँ यूज करना, इसमें से दो पता है तो ये यूज करोगे, जिसका पता है वो यूज करना है, गिवन डाटा एक बार लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या पता है, 4 Z इज इक्वल टू V बाय I, जेड मतलब क्या होता है इम्पीडेंस, जेड मतलब क्या होता है जो जो नहीं पता है लोग, इम्पीडेंस, जेड मतलब इम्पीडेंस, ये फोर्थ नंबर फॉर्मूला है। फिफ्थ और क्या फॉर्मूला इसमें आएगा, एक्सेल वाला फॉर्मूला एक ये हो गया, एक जेड से एक मॉडुलस वाला फॉर्मूला, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और इसका इसका दो फॉर्मूला है जेड का, एक आर प्लस जे इंटू एक्सएल, और सिक्स्थ पावर फैक्टर, पावर फैक्टर आता है कॉस पाई, एक्टिव पावर P इक्वल टू वी आई कॉस फाइव, इसका मतलब क्या है, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर,
जैसे एक्टिव पावर है ना वैसे रिएक्टिव पावर भी है। एक मिनट, मैं को उसका फॉर्मूला देख लेता हूँ। आर एल प्योर कैपेस रेजिस्टेंस आर सी। आर एल सर्किट का दिया है कॉस में एक्टिव पावर, वैसे रिएक्टिव पावर भी है। रिएक्टिव पावर वी आई साइन फाइव, रिएक्टिव पावर जरा विचार लाते। रिएक्टिव पावर अगर आपको पूछा तो वी आई साइन फाइव, अपरेंट पावर वी इंटू आई, वो नहीं पूछते, ये दोनों में से एक पूछेंगे। अगर सिर्फ पावर पूछा है तो याद रखना रिएक्टिव पावर ढूंढना है। ओनली पावर भी अगर क्वेश्चन में आया ना तो याद रखना एक्टिव पावर ढूंढना है। दैट्स इट, इतने फॉर्मूले पे काम होता है। ये फॉर्मूला और कैलकुलेशन पता होना चाहिए ये आपका है। होप सबको समझ में आ गया। आर एल, आर एल डन, प्लीज टाइप डी इन द चैट बॉक्स। कुछ भी डाउट है तो पूछो अभी, अभी आप डाउट पूछ सकते हो। दोनों भी क्वेश्चन में आपका कुछ भी डाउट है तो यूनिट यूनिट बताओ, ऐसा बोलता है। ठीक है यूनिट बताता हूँ, आदेश बोल रहा है यूनिट बताओ। और कुछ, हर एक टर्म का यूनिट बताता हूँ। क्योंकि तो ये अगर आप करोगे जैसे आर एल आर सी और आर एल सी, ये तीन सर्किट, ये तीन सर्किट में से एक क्वेश्चन फिक्स आएगा 8 मार्क्स का। मैं इनका यूनिट्स बता देता हूँ, आदेश यूनिट पूछ रहा है। देखो यूनिट बताता हूँ मैं, वी एल सा यूनिट माई थे वोल्टेज वी, आई का यूनिट आएगा एम्पियर। मैं यूनिट्स बता रहा हूँ, ये जो लिख रहा हूँ मैं नीचे यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स भी लिखना जरूरी होता है। एकदम एकदम कैलसी च सांगा। ओके कैलसी का बताता हूँ फिर इसके बाद। आप लोग पूछो डाउट्स आराम से, मतलब मेरे को कोई घाई नहीं है। किसी को घाई है तो खुद से जाके पढ़ सकते हैं, मतलब क्योंकि मेरा ऐसा काम है कि जो लोग को नहीं समझ में आ रहा उनको समझाना। सर ते बाकी दोन जेड चे पन इम्पिडन्स साठी आहेत का, बाकी दोन जेड चे इम्पिडन्स साठी आहेत का। हाँ राइट राइट राइट, स्वराज बताता हूँ इन दोनों का कब कौन सा यूज करना है। जैसे वी और आई से ये मिलेगा, ये मिलने के बाद आप उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर यह चतुन मुझे जेड काटना साठी एक तरह ये यूज होल और है, ये दो ही यूज होता है। ये आपको इसमें से इसमें कन्वर्ट करने में, एंगल वाले इसमें कन्वर्ट करने। जर तुम्हाला आर आणि एक्सेल माहिती आहे तर तुम्ही झेड असा काढून त्याला अँगल मध्ये कन्वर्ट करा। ठीक है मैं युनिट बता रहा हूँ, इसका वी वोल्टेज, आय का ए, इसका भी सिर्फ वी का भी है, वी आर का भी वी है और वी एल का, तीनों वोल्टेज तो वी आएगा, आय का ए आएगा, एक्सेल आर ये सब रेजिस्टेंसेस है तो उसका ओम आएगा, जेड भी ओम आएगा। अजून काय राहिला, एफ तो आपको पता है हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज रहेगा। एल, एल का हेनरी आएगा, एच हेनरी, और कुछ रह गया, एक्सेल हो गया, आर हो गया, और एंगल डिग्री में होगा इसमें, एंगल डिग्री, एवढंच यूनिट है। तुम्ही जा म्हणजे परत हे दोन क्वेश्चन करा, तुम्हाला ऑटोमॅटिकली समजेल। और जितना एग्जाम में आया हुआ है ना वो सभी क्वेश्चंस भी अगर आप करोगे ना आप सक्षम हो जाओगे कि आप पेपर का क्वेश्चन कर लो। एंड दोन तीन क्वेश्चन तुम्हाला म्हणजे कुठून इम्पॉर्टंट क्वेश्चन मी पाठवतो, ये होने के बाद ना कुछ क्वेश्चन और भेजता हूँ मैं आर एल के, एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा, तो वो दो क्वेश्चन भी कर लो, आपका और थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। दोन पेपर चाहे दोन स्वतः करा, अरे आंसर पाठो तो फाइनल आंसर आप लोग टैली कर लेना। ठीक है कैलसी का कोई तो पूछ रहा था, कैलसी का तेजस, हाँ मैं ग्रुप पे डालूंगा ओंकार। मैं एक बी डब्ल्यू का नहीं तो ग्रुप बनाता हूँ उसमें डालता हूँ। ठीक है सब लोग ज्वाइन कर लो उस ग्रुप को, फिर मैं उस पर सब स्टफ डालता हूँ। हाँ मार्च 2023 से क्वेश्चन डाला। ठीक है नेक्स्ट, अब शुरू करते हैं आर सी। एकदा आर सी यानी एल आर एल सी ये तीनों होने के बाद फिर मैं कुछ देर के लिए ब्रेक लूंगा, तब आप खाने के लिए जा सकते हो लगातार। अभी कितना हुआ है, 7:30 झाले ना, बिड़ा है 7:30 के अराउंड में आपको ब्रेक देता हूँ तीनों सर्किट होने के बाद। ठीक है आरसी सर्किट ओपन करो। आरसी सर्किट का क्वेश्चन ना अभी रिसेंट पूछा है, अभी जो पेपर हुआ है ना उसमें देखना, नवंबर दिसंबर 23 में आरसी से।
नोव्हेंबर डिसेंबर 23 आहे ना, त्याच्यातला क्वेश्चन बघा आरसीचा. क्वेश्चन नंबर टू सी, एक मिनिट दाखवा क्वेश्चन. नोव्हेंबर डिसेंबर 23 इथे लिहिलेला असतो बघ. हा जो आहे ना, हा काय आहे आपला इयर 28 23, हा 7 चा आहे. आरएलसी आहे. ऑगस्ट 23 भेटलं का? वो आरएलसी का आहे. हा कोणता पेपर आहे? नोव्हेंबर डिसेंबर नाही, अजून 23 चा कोणता पेपर आहे? हा वाला. हे कशात पाठवलंय बघ, हा पेपर बघा. हा कोणता इयरचा आहे? मे जून 23, मे जून 23 बघा. मे जून 23. यू कैन चेक मे जून 23. मे जून 23 क्वेश्चन नंबर 1C बघा. मे जून 23 क्वेश्चन नंबर 1C आरसीचा क्वेश्चन. क्वेश्चन देखो मैं रीड आउट करता हूँ, होप सबने क्वेश्चंस ओपन किए. उसमें क्या क्या गिवन है देखो. रेजिस्टेंस गिवन है 10 ओम. इसका कैपेसिटेंस दिया है सी, 150 माइक्रो फराड. जैसे मैंने मिली का बताया ना कन्वर्जन. और एक चीज याद रखना, इसमें मिली, इसकी जो वैल्यू रहती है ना मोस्ट ऑफ द केस में मिली दी रहती है, मिली हेनरी. तो मिली मंजे का है 10 टू द पावर -3. उसी तरह माइक्रो का 10 टू द पावर 6 है. 150 इंटू माइक्रो मीन्स 10 टू द पावर 6. माइक्रो सिंबल निकालना फराड में, देखिए ये लक्ष्य ठेवा. दोन कन्वर्जन है. माइक्रो फराड को फराड में कैसे कन्वर्ट करोगे? इंटू 10 टू द पावर -6. मिली हेनरीला हेनरी मध्ये कसं कन्वर्ट करायचं? इंटू 10 टू द पावर -3. इसको -3, इसको -6 है, याद रखना. इसमें और क्या दिया है? करंट दिया है 9.4 एम्पियर. और क्या दिया है आपको? फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्स. दैट्स इट. अब देखो इसके इसके फॉर्मूलेस कैसे. इसमें भी एक 6 फॉर्मूलेज लगेंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएगा. सबसे पहला, जैसे वहां पे एक्सेल का फॉर्मूला था ना, वहां पे यहाँ पे एक्ससी का फॉर्मूला है. एक्सेल का फॉर्मूला क्या था देखो? एक्सेल का फॉर्मूला 2 पाई FL, ऐसा फॉर्मूला है 1/2 पाई FC. 1/2 × π × F की 50 × और सी, सी की वैल्यू कितना दी है? 150 × 10 टू द पावर -6. करो ये कैलसी पे कितना आता है, एक्सी का वैल्यू क्या मिलता है, एक्सी कितने आता है? प्लीज कोई तो करो, क्योंकि अनसॉल्व है ना, तो फिर मेरे पास उसका सोल्यूशन नहीं है. और जैसे मीटिंग होगा सेम लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो. ज्वाइन करने के लिए मैं ग्रुप पे मैसेज नहीं करूंगा. कितने था? 21 पॉइंट. आंसर ये तो एकदम चेक करा. यस आदित्य ने संदीप, आदित्य एवरीवन सटी, मुझे सबके लिए मैसेज करना, मतलब सबको समझ जाएगा आ रहा है. आप लोग डायरेक्ट मैसेज कर रहे हो ना, कुछ लोग सेंड टू एवरीवन, वो सिर्फ मुझे दिख रहा है ऐसा. ओके थैंक यू. राइट आ रहा है 21.2. तो ये आपका पहला आंसर. इसको क्या बोलते हैं, जैसे उसको रिएक्टिव रिएक्शन बोलते हैं. इसको देखो, ये पहला पूछा है आपको. आप क्वेश्चन देखो एक बार, कैपेसिटिव रिएक्टेंस विचार ले बगा. पहला क्या मानता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस. एक्सेल एक्सी मंजे का है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का है. I9 दिले ना, करंट ऑफ 9.4. हाँ क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2C, सॉरी क्वेश्चन मिला क्या आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 2C, सॉरी बाय मिस्टेक लिए मैंने 1C बोला.
एक्सट्रीमली सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2C। हाँ मई जून टू सी, करण नई दिल्ली स्वराज, क्वेश्चन नंबर 2C बदल, 2C, 1C नहीं, 1C इजी वाला क्वेश्चन है, वो 4 मार्क का क्वेश्चन है, 8 मार्क का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2C मिला स्वराज। यस ओके ठीक, आणि डायरेक्ट मेसेज ना करू म्हणजे सगळ्यांना मेसेज दिसा असत। हा नेक्स्ट सेकंड काय विचारलं अजून, इम्पिडन्स, इम्पिडन्स झेड, झेड का फॉर्म्युला आर प्लस जे इंटू एक्सेल असायचं, याच्यात मायनस जे इंटू एक्स सी असा फॉर्म्युला आहे। आर का व्हॅल्यू क्या है, 10 मायनस जे, कॉम्प्लेक्स मोड पे, कॉम्प्लेक्स मोड पे चले जाओ कैलसी पे। हाँ जी कोई तो बोल रहा था ना तेजस, शायद कैलसी नहीं समझा, कैलसी देखो वापस बताता एक बार, कॉम्प्लेक्स मोड, कॉम्प्लेक्स मोड मध्ये कसं जायचं, शिफ्ट, शिफ्ट नहीं सॉरी मोड टू, मोड टू, कॉम्प्लेक्स मोड, मोड टू मध्ये जाऊन कॉम्प्लेक्स मोड में जाओ और उसमें ये टाइप करो 10 माइनस 21.22 I, ऐसा टाइप करो। सम्राज्ञी ने आंसर बता दिया है, देखो आप मोड टू कॉम्प्लेक्स मोड पे आके ये टाइप कीजिए, ये टाइप करने के बाद आप लोग टाइप करो शिफ्ट 2 3, आपका एंगुलर मोड में मिल जाएगा आंसर। यस उदय करेक्ट, आंसर इसका है 23.458 एंगल -64.76 करेक्ट, और ये जेड है, जेड का इंडक्टेंस, इंपेडेंस, इंपेडेंस मतलब रेजिस्टेंस। ओके यस करेक्ट, भरपूर लोगों का आंसर ये था, इट्स इट करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट ये आपको सेकंड जो पूछा है, इंपेडेंस पूछा है ना, इंपेडेंस निकल गया, बगा क्वेश्चन में बगा इंपेडेंस ही चल रहा है। नेक्स्ट सेकंड जो पूछा था वो इंपेडेंस, नेक्स्ट का भी चल रहा है, थर्ड जो पूछा है वो पूछा है आपको पावर फैक्टर, पीएफ, पावर फैक्टर मीन्स कॉस फाई, कॉस ये आपका फाई रहता है, मैंने बताया था, देखो जेड का ये वाला जो रहता है ये आपका फाई रहता है, याद रखना जेड का जो एंगुलर पार्ट है ते तुमचा फाय एंगल है -64.76 करेक्ट, या 76 या 67 क्या, 76 राइट, ए डिग्री मोड वर प्रेस करा -cos67.76। जीरो पॉइंट 426 बरोबर, हाँ इसमें लीडिंग रहता है याद रखना, आरएल में क्या रहता है, लैगिंग, पावर फैक्टर आरएल मध्ये का असतो, लैगिंग असतो, आरसी मध्ये लीडिंग करेक्ट, याद रखना इसमें लीडिंग रहता है उसमें क्या रहता है, लैगिंग, ये फर्क है दोनों मध्ये। त्यानंतर अजून का विचारना है, एक ये आंसर हो गया पावर फैक्टर, जैसे जैसे पूछा वैसे यूज करो। फोर्थ का विचारना है सप्लाई वोल्टेज, V इज इक्वल टू I इंटू जेड, जैसे जेड इज इक्वल टू V बाय आई, तसस आई क्या है 9.4, यानी जेड है आपला ठीक है 9.4 इंटू जेड का सिर्फ मैग्नीट्यूड लोगे तो सिर्फ ये लोगे 23.458 कितनी आता है, 220.50। यस करेक्ट उदय, ये आपका वोल्टेज हो गया सप्लाई वोल्टेज, वी मतलब सप्लाई वोल्टेज। अजून का विचार लें,